everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of unit, the mechanical properties of the bulk matter. So let's start our discussion here. Our first question of the test is, what depth below the surface of the sea should a rubber ball be taken to reduce its volume by 0.1%? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें किस डेप्थ तक जाना पड़ेगा बिलो द सरफेस ऑफ सी, सी के सरफेस से बिलो कितनी डेप्थ पे हम रबर बॉल को जब लेके जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस डेल वी अपॉन वी, ये कितना गिवन है 0.1%, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी दी गई है सी वाटर की, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें बल्क मॉडुलस पता है, के क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन राइट। तो यहां से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी किसके इक्वल आ गया, दैट इज के इनटू माइनस डेल वी अपॉन। तो प्रेशर देखो, हमें जैसे ये हमारा सरफेस है, इसके बिलो पूछा गया है, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे ये सरफेस किसका है, सी का। तो यहाँ पे लेट से ये एच हाइट पे हम डेप्थ पे जा रहे हैं, एच नीचे डेप्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा हमारे पास, जी एच, ठीक है। और ये हमारे पास के की वैल्यू है, बल्क मॉडुलस, दिस इज माइनस डेल वी बाई। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, डेंसिटी कितनी गिवन है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10, एच हमें निकालना है क्योंकि वही डेप्थ जो है नीचे, यहाँ इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बॉल जब हम लेके गए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस ए पॉइंट पे जब हम लेके आए, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है इसी को मैंने एच से डिनोट किया है, तो ये एच की वैल्यू निकालनी है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁸, और वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर रहा है, 1%। अब यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 × 10⁻, ये 2 ऊपर चली गई, इसके साथ अरेंज हो गई तो 10⁶ हो गया, और ये क्या है नीचे 10⁴ इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी मिली, 9 × 10⁺, ये 0.1% था ना, तो ये 1/1000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 − 3 यहाँ पे 5 आएगा, और ये 5 − 4 यानी कि 10⁻¹, और हाइट यानी कि डेप्थ कितना मिला हमें, 90 मीटर। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लिक्विड वेट द ग्लास इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्लास इज। अब जो लिक्विड जो है ग्लास को क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। हमने ग्लास में एक लिक्विड लिया, वो क्या कर रहा है, ग्लास को वेट कर रहा है, तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होगा। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, इट इज लेस देन 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन व्हेन द बबल ऑफ वॉल्यूम वी इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन, how much work is required to be done to form a bubble of volume 2। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो बबल्स बन रही हैं। फर्स्ट बबल ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम v है, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इस बबल का, 4/3 πr³। दूसरा क्या है, उन्होंने पूछा है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब हम बबल का वॉल्यूम कितना कर दे, 2v। वॉल्यूम क्या कर दिया, 2v कर दिया। लेट से इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 2v वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 π कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 ले, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बाय डिवाइडिंग हमारे पास क्या आ गया, v अपॉन 2v, दिस इज 4/3 π r³ अपॉन 4/3 π कैपिटल आर क्यूब। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/2 किसके इक्वल आ गया, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से कैपिटल आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 2r³, और कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2³ r³, ठीक है। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हम वर्क डन देख लेते हैं, वर्क डन हमारे पास कितना होता है, दैट इज टेंशन इनटू
चेंज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना आएगा? अगर मैं इस फर्स्ट बबल की बात करूं जिसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें बबल जो बनाना है उसका वॉल्यूम कितना है? 2b। तो उसके लिए लेट से वर्क डन करना पड़ा W1, वो कितना होगा? टी इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं, इसको 4 और 5 मार्क कर देती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देती हूँ, W1 over W क्या आ जाएगा? दिस इज टी इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन टी इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स कैंसिल हो गए, तो हमें तो W1 चाहिए, वो कितना आ जाएगा? R स्क्वायर अपॉन स्मॉल R स्क्वायर इंटू W, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू फिल कर देते हैं, वो क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये मिलेगा 2 by 2 की पावर 2/3, यहाँ पे R आएगा ना, क्यूब रूट लिया है हमने, तो ये R स्क्वायर हो गया नीचे R स्क्वायर, और ये वर्क डन W, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन कितना मिला जो हमें फाइंड करना था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, W1 जो है वो मुझे मिल रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू W। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर उसकी पावर 1/3 इंटू W, यानी कि 4 की पावर 1/3 इंटू W। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What change in the surface energy will be noticed when a drop of radius r, it is split up into 1000 droplets of radius small r and surface tension is T. तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा जब एक ड्रॉप जो है उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ये किस में स्प्लिट हो गई है? ड्रॉप्स में स्प्लिट हो गई, छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ठीक है, जिसका रेडियस, यहाँ पे ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, और ये कितनी ड्रॉप्स बन रही हैं? 1000 ड्रॉप। सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या है? टी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सरफेस एनर्जी में चेंज पूछा है, चेंज कितना हुआ सरफेस एनर्जी में, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है रिलेशन, दैट हमें, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है, ठीक है। तो कितना एनर्जी चेंज होगा? सरफेस एनर्जी चेंज डेल्टा यू क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी ना, सरफेस एनर्जी पहले क्या थी? एक ड्रॉप थी जिसका रेडियस क्या था? कैपिटल आर था, तो उसकी सरफेस एनर्जी कितनी आ गई? टी इंटू 4 पाई R स्क्वायर। फिर हमारे पास सरफेस एनर्जी U2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी ड्रॉप्स बन रही है? 1000 ड्रॉप्स। तो एक की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अब चेंज निकाल लेते हैं यहाँ पे, डेल्टा यू क्या आ जाएगा? फाइनल वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यू टू क्या है हमारे पास? 1000 T 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी। यहाँ से टी इंटू 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिला 1000 R स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई चेंज इन सरफेस एनर्जी की। अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये बड़ी वाली ड्रॉप ब्रेक हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इट इज इक्वल टू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वॉल्यूम बन जाएगा जितना इस बड़े वाले का वॉल्यूम है, ठीक है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 πr³, दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 πr³। ये 4/3 π कैंसिल हो गया फैक्टर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 आर। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर की फॉर्म में आंसर गिवन है, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज R/10, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू में फिल कर देते हैं, ये जो हमारी ए इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? चेंज इन सरफेस एनर्जी हमारे पास कितना मिलेगा? यहाँ पे लिख देती हूँ, डेल्टा यू कितना आ गया? टी इंटू 4 पाई 1000। आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस आर स्क्वायर ये कैंसल हो गया, डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? टी इंटू 4 पाई
This is 10 r square minus r square. So, ye 9 r square bana, yahan pe delta u ki value aagi 4 pi t into 9 r square. Aur 9 fours 36 hota hai. So, delta u kitna mila? 36 pi r square t. So, option D mil raha hai iska correct answer. Next question hai humare paas. Under a constant pressure head, the rate of flow of orderly volume flow of a liquid through the capillary tube is V. So, yahan pe question mein given hai ki constant pressure head hai humara, theek hai. Pressure head matlab pressure energy se jo value aati hai, theek hai, P upon rho G. Ye factor hota hai Bernoulli's theorem, Bernoulli's equation mein hum use kar rahe hai. Ye factor constant hai, matlab pressure energy jo hai wo constant. Pressure energy per unit volume per unit ye factor, isko pressure head bola jata hai. So, jo कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कितना, उसका रेट ऑफ फ्लो कितना है, वी गिवन है. इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज डबल, लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया. एंड द डायमीटर ऑफ बोर इज हाफ, डायमीटर क्या कर दिया, हाफ कर दिया. तो रेट ऑफ फ्लो कितना बनेगा वो पूछा गया है, ठीक है. तो लेट्स से जो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू मैं वी डैश ले रही हूँ. अब ये जो रेट ऑफ फ्लो होता है वी, वो उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल. पॉइज़ली इक्वेशन है ये, ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में डाटा गिवन है, हम यहाँ पे रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू, ये प्रेशर, आर की जगह डी बाई टू की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल. तो ये रिलेशन क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, पाई पी डी की पावर 4, 2 की पावर 4 16 इंटू 8 ईटा एल. ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो का रिलेशन बन. अब यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं वो फिल कर देते हैं. एल को डबल कर दिया है, डायमीटर को क्या किया है, हाफ किया है. तो जो न्यू फ्लो ऑफ रेट बी डैश है वो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, पाई पी डी की वैल्यू हाफ कर दी, डी बाई टू की पावर 4 16 इंटू 8 ईटा, लेंथ डबल कर दी. अब बी डैश क्या मिला मुझे, पाई पी d की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 नीचे जाएगा, ठीक है. ये 16 इंटू 8 तो पहले से ही था, ईटा इंटू एल, ये फैक्टर अलग कर दिए. और ये 2 जो है इसको मैं आगे लिख रही हूँ. अब ये जो मैंने फैक्टर सेपरेट करके लिखे है, ये मुझे ओरिजिनल वैल्यू ही तो मिल रही है, ये वाला फैक्टर, दिस वन, ये क्या है, ओरिजिनल रेट फ्लो का रिलेशन मिल गया. तो वी डैश क्या मिल रहा है मुझे, वी बाई, ये यहाँ इस इक्वेशन से मैच किया है. तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 0.2, तो टर्मिनल स्पीड जो है वो गोल्ड के लिए, गोल्ड स्फीयर के लिए 0.2 मीटर पर सेकेंड गिवन है. डेंसिटी गोल्ड की गिवन है यहाँ पे, सिग्मा जी लिख लेती हूँ मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. इन द विस्कस लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी को मैं रो से लिख रही हूँ, रो एल, that is 1.5. the terminal speed of sphere of silver, silver की terminal speed जो है वो हमें निकालनी है. density जो है silver की given है, that is sigma s लिख लेते हैं इसको, of same size in the same liquid, मतलब same liquid है, liquid नहीं change किया है, उसी में terminal speed हमें इस silver के sphere की देखनी है, size उसका क्या है, same. अब terminal speed का relation क्या होता है, 2 upon 9 eta, this is r square g, सिग्मा माइनस रो, ये रिलेशन होता है हमारे पास. अब देखिए 2 फिक्स है, कांस्टेंट है, 9 भी फिक्स है, लिक्विड चेंज नहीं किया तो ये ईटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, आर जो है वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेम साइज का है, ठीक है, सफियर दोनों. तो यहाँ पे जी भी चेंज नहीं होगा. तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो रही है यहाँ पे, डेंसिटी के डिफरेंस के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे रेशो ले लेते हैं, सिल्वर की टर्मिनल वेलोसिटी ओवर गोल्ड सफियर की टर्मिनल वेलोसिटी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा एस माइनस रो एल अपॉन सिग्मा जी माइनस रो, ठीक है. तो टर्मिनल स्पीड सिल्वर के लिए निकालना है, अपॉन गोल्ड के लिए कितना है हमारे पास 0.2, सिग्मा एस यानी कि सिल्वर की डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 10.5, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1.5, और गोल्ड के लिए डेंसिटी कितनी है 19.5 और लिक्विड की 1. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, सिल्वर सफियर की टर्मिनल वेलोसिटी दिस 0.2, 10.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 19.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है.
तो ये 1/2 आ गया. तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर दैट इज 0.2, इट इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से कितना वैल्यू मिला हमें, 0.2 अपॉन 2, दिस इज 0.1. तो ऑप्शन ए आ रहा है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A1 A2 दीज आर फॉलिंग फ्रीली इन द विस्कस मीडियम. The terminal velocity of sphere are in the ratio of. तो यहाँ पे दो metal spheres हैं, ठीक है? एक का radius कितना है? Let say it is A1 और ये कितना है? A2. तो यहाँ पे terminal velocity की ratio पूछी गई है. अब terminal velocity में हमारे पास क्या relation होता है? ये relation होता है हमारे पास, ठीक है? तो इस relation से clearly पता चल रहा है कि जो terminal velocity है वो radius के square के साथ directly vary कर रही है. तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर, ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर सेकंड स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर. तो ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकंड, दिस इज फर्स्ट का रेडियस कितना है? A1 स्क्वायर हो गया. सेकंड का रेडियस A2 है तो ये A2 स्क्वायर हो गया. तो ये रेशियो मिली हमें, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स, ठीक है? एक बड़ी वाली ड्रॉप है, लेट्स से उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है. ये किस में स्प्लिट हो रही है? छोटे छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट हो रही है. और ये कितनी ड्रॉप्स है? 8 ड्रॉप्स है. और मान लेते हैं ये इसका ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द बिगर ड्रॉप इज, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है ड्रॉप का? हमारे पास डेल्टा पी का रिलेशन होता है 4T/R, ठीक है? तो बिगर ड्रॉप के लिए निकालना है. तो यहाँ पे देखो, प्रेशर डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है? तो अब हम निकाल लेते हैं प्रेशर डिफरेंस जो है वो बिग स्फीयर के लिए, बिग ड्रॉप के लिए, टू दैट ऑफ प्रेशर डिफरेंस टू द स्मॉल आर. मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस ही है हमारा, ठीक है? डेल्टा भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे. तो ये स्मॉल ड्रॉप के लिए ये क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है? तो 1/R, ये स्मॉल आर ऊपर आएगा. तो ये रेशियो मिल रहा है मुझे. अब मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी मैं बता सकती हूँ कि कितना प्रेशर डिफरेंस, ठीक है? तो ये जो वॉल्यूम होगा बिगर ड्रॉप का, ये किसके इक्वल होगा? 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या आ जाएगा? 4/3πr³. दिस इज 8 इंटू स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3πr³. 4/3π फैक्टर कैंसिल हो गया. यहाँ से कैपिटल आर क्यूब किसके इक्वल आ गया? 8r³. कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई? 2r. अब हमें रिलेशन मिल चुका है, हम ये जो इक्वेशन 1 है इसमें फिल कर देते हैं. प्रेशर डिफरेंस ऑफ बिग स्फीयर टू दैट ऑफ स्मॉल स्फीयर, इट इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू 2r फिल कर दी, तो ये आर सी आर कैंसिल हो गया. तो ये बिगर स्फीयर का प्रेशर डिफरेंस आ रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट. तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर, कि हाफ ऑफ दैट ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट. तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर क्या है? राइज कर रहा है किसी हाइट के साथ, हाइट पे राइज कर रहा है. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिलरी राइज फ्रॉम द फॉलोइंग. अब हमें पता है कि जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो किस हाइट तक जाएगा? हमारे पास 2t cos θ / r ρg, ठीक है? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं. देखिए, सबसे पहले देखते हैं सरफेस ऑफ मून, हाइट इज मोर देन h. तो मून के सरफेस पे क्या होता है? जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? अगर जी की वैल्यू कम है, एच हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनवर्सली 1/g के साथ वेरी कर रहा है. अगर जी कम है तो एच क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा ऑप्शन है. सरफेस ऑफ जुपिटर हाइट विल बी लेस देन एच, तो ये भी सही है ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. इन द लिफ्ट मूविंग अप विद कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, अब क्या है? एक लिफ्ट है, ठीक है? लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ पे हाइट क्या मिलेगी? लेस देन एच मिलेगी. चेक कर लेते हैं. हमें पता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पे अगर आप जी इफेक्टिव चेक करते हो, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जी प्लस ए, मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, जी प्लस ए हो रही है ना, तो एच जो है इनवर्सली जी के साथ वेरी कर रहा है, तो ये फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एच क्या होगी, कम होगी, तो ये ऑप्शन भी जो है वो सही है, ठीक है। तो हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्या गिवन है कि इन अ लिफ्ट मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो हाइट जो है वो लेस देन एच होगी, तो ये ऑब्वियस है नहीं होगी, क्योंकि देखो सी ऑप्शन में बोला गया कि जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तब भी हाइट लेस देन एच है, तो ये ऑप्शन अगर करेक्ट है तो यहाँ पे हाइट लेस देन एच नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है उससे ऑपोजिट रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रही है, तो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सलरेट हो रही है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगी, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, जी माइनस ए मिलेगा आपको, तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, तो जी अगर कम हो रहा है तो एच बढ़ना चाहिए, एच यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम है, तो ये जो है डी ऑप्शन वो फॉल्स स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर वेसल व्हेन फुल ऑफ वाटर It takes 10 minutes to be empty through the orifice in its bottom. तो एक rectangular vessel है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऐसे बना रही हूँ, वैसे तो है ये rectangular, यहाँ पे orifice create कर दिया, और ये जो liquid का level है वो liquid यहाँ पे full था पहले, 10 minute में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, empty हो रहा है, orifice के through यहाँ पे liquid बाहर निकलेगा, तो 10 minute लग रहा है यहाँ पे इसको empty होने में। How much time it will take to empty when the half filled with water? अगर ये container में liquid जो है वो half है, तो कितना time लगेगा इस liquid को बाहर आने में? तो ये T1 ले लेते हैं कि T1 की value जो है वो हमें find करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि orifice के through जब liquid बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कितनी speed के साथ बाहर निकलेगा, under root 2 gh, ठीक है, और ये वाला जो लेवल है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और कम होता जाएगा किस स्पीड के साथ, लेट से ये स्पीड v1 है और ये हाइट हम फुल h ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, क्योंकि हमें t और h के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी, तो यहाँ पे एरिया कैपिटल ए ले लेते हैं, ये ऑर्फिस का एरिया ले लेते हैं स्मॉल ए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, v1 इंटू एरिया कैपिटल ए, दिस इज इक्वल टू ए एरिया, और ये स्पीड कितनी है v2, तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए, v2 की वैल्यू अंडर रूट 2 gh, ये मिल गया। v1 जो है वो क्या है, ये इस लेवल की स्पीड बताई गई है ना, जो नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, तो v1 को मैं लिख सकती हूँ dh/dt a/a अंडर रूट 2 gh, ठीक है, क्योंकि ये पूरी हाइट एच है, ठीक है, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, dh/dt, क्योंकि v1 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना है ये जितना फिल हुआ हुआ है लिक्विड वाटर में, तो यहाँ से dh/√2 gh दिस इज इक्वल टू a/a dt, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और t का रिलेशन निकालेंगे एच के साथ कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये हाइट और ये जीरो से टी, ठीक है। अब हमें तो डिपेंडेंसी चेक करनी है, पूरा सॉल्व पूरी टर्म्स को लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ये एच 1/√h है, एच की पावर -1/2 प्लस 1 और ये -1/2 प्लस 1 और ये आ गया a/a × t, ठीक है, लिमिट्स फिल कर देंगे जीरो से एच, ये जीरो से टी, 1/√2 t यहाँ पे लिमिट एच से जीरो आनी चाहिए ना, क्योंकि हाइट डिक्रीज कर रही है, चलो देखते हैं। ये हमारे पास आ गया -1/2 + 1, नीचे सॉल्व किया तो ये 2 आएगा, ये 2 1/2 ऊपर चला गया और ये मिला मुझे रूट एच, लिमिट 0 से एच, दिस इज a/e, दिस इज t 0 से t,
ठीक है, फिर ओरिजिनल लेवल ना हम इस रेफरेंस लेवल इसको ही लेके चल रहे हैं, जहां तक ये जो वाटर लेवल था, वाटर का लेवल प्रेजेंट था इनिशियली, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। तो ये जीरो से एच तक की जाएगी हाइट, पूरा ये वेलोसिटी ऐसे लेवल कम हो रहा है ना ये नीचे की तरफ, तो जीरो से एच तक कवर होगा, तो लिमिट जीरो से एच ही आएगी, टाइम जो है जीरो से डी तक लेके, कि ये वाला लेवल जो है उसको मैं रेफरेंस लेवल ले रही हूँ, जहां से मुझे देखना है हाइट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज √2 अपॉन जी, दिस इज एच, और ये मिला ए अपॉन ए इंटू टी। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो टी है वो कैसे वेरी कर रहा है, रूट एच के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि बाकी फैक्टर से हमें कोई देखना जरूरत ही नहीं है उसकी, हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी देख ली। ठीक है, तो टी कैसे वेरी कर रहा है, रूट एच के साथ वेरी कर रहा है, हमें ये डिपेंडेंसी पता चल गई टाइम की। तो निकाल लेते हैं, ये हमारा रेशियो टी अपॉन टी वन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन एच, ये एच वन हाइट ले लेते हैं एच वन। ठीक है, तो देखिए टी टाइम लग रहा था जब उसकी हाइट क्या थी, एच थी, फुल फिल था वो, टाइम कितना है यहाँ पे 10 मिनट, तो टी वन निकालना है हमें, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है, हमने उसको फिल किया है हाफ, एच वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एच बाई टू। ठीक है, तो ये एच से एच कैंसिल हो गया, ये √2 ऊपर जाएगा, मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये डायग्राम तो अब जरूरत नहीं है हमें, तो 10 मिनट ओवर टी वन, दिस इज इक्वल टू √2, टी वन की वैल्यू क्या आ गई, 10 मिनट अपॉन √2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 मिनट, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी इज अंडर द स्ट्रेस एफ, हैज अ यंग मॉडुलस वाई, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज, हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कितना है हमारे पास, एफ गिवन है, इंटू स्ट्रेन, हमें यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस कितना है, एफ अपॉन वाई, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बाई वाई, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुझे कितना मिला, 1/2, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ बाई वाई, तो ये कितना मिली वैल्यू, एफ स्क्वेयर अपॉन 2y, सो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्यूब्स ए एंड बी, दीज आर इन सीरीज, डायग्राम बना लेते हैं, दो ट्यूब्स हैं, ये फर्स्ट ट्यूब ले रही हूँ मैं, ठीक है, ए ट्यूब, दीज आर इन सीरीज, ये ज्वाइन किया गया है, ए का रेडियस कितना है, आर है, तो ये फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है, आर है, दैट ऑफ बी इज 2r, तो बी का रेडियस डबल है, ऐसे बना लेते हैं, ये ट्यूब हो गई बी, ठीक है, तो इसका रेडियस है 2r। इफ द वाटर फ्लो थ्रू ए विद वेलोसिटी बी, अब यहां से वाटर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v है, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू बी इज, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी जो है वो निकालनी है, मैं यहाँ पे वेलोसिटी बी टू लेट कर रही हूँ, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया कितना है ए ट्यूब का, पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है वी, ठीक है, और यहाँ पे बी ट्यूब के लिए एरिया कितना आ जाएगा, पाई, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर, और वेलोसिटी बी टू की वैल्यू निकालनी है, पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इंटू वी, दिस इज 4r² इंटू वी टू, तो ये r² से r² कैंसिल हो गया, वी टू की वैल्यू क्या मिली, वी बाय, तो ऑप्शन आएगा बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। वर्क इज डन व्हेन वायर इज स्ट्रेच, वायर को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया है, वर्क डन किया गया उसके लिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस,
2.1 मिलीमीटर इज, यंग मॉडुलस की वैल्यू की. तो जो वर्क डन है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स जितना अप्लाई किया है वो, इंटू एक्सटेंशन जितनी हुई है वो. ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई एफ अपॉन ए, ये डेल्टा एल और ये एल ऊपर. एफ की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, वाई ए डेल्टा एल बाय, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ गया, हाफ. स्ट्रेचिंग फोर्स की वैल्यू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, और एक्सटेंशन डेल्टा एल ही होगी क्योंकि स्ट्रेच किया है, तो कितना एक्सटेंड हुआ है, डेल्टा एल, दैट इज द चेंज इन लेंथ. तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ. वाई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 रेस टू पावर 11. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 रेस टू पावर माइनस 6. डेल्टा एल कितना है, 0.1 मिलीमीटर. ठीक है, और ये भी डेल्टा एल है, तो ये स्क्वायर कर दूं मैं सीधा यहाँ पे. नीचे ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज द 2, तो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया. वर्क डन कितना मिला, 1/2 इंटू ये कितना हो गया, 10 रेस टू पावर 5 हो गया. ये 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10. ठीक है, तो ये 1/10 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 हो गया. तो स्क्वेयरिंग की तो ये 10 रेस टू पावर माइनस 8 हो गया, राइट. तो ये मिला 1/2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3. 1/2 वर्क डन कितना, वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, 0.5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, और ये डेसिमल भी अगर हटा दे तो 5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. तो ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस ऑफ वन आर्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अदर आर्म. तो अगर एक आर्म का रेडियस लेट से आर है, तो दूसरे का क्या है, 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ आर कर. ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ अदर आर्म है ना, बट द फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द नैरो आर्म टू लिफ्ट 100 किलोग्राम. हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी होती है, ठीक है, तो ये वाले जो नैरो आर्म है इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस कितना है, 4R. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. लेट से हमने फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, और ये जो जिस आर्म का रेडियस बड़ा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेट रखा होता है जिसको हमने लिफ्ट करना होता है. तो यहाँ पे कितना वेट रखा है, 100 किलोग्राम. तो ये हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो इसको लिफ्ट करना है, तो इसकी यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, कैपिटल एफ, दैट इज एम जी. वेट की वजह से फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू. अब हम यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करती है, पास्कल लॉ पे. जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाई तो प्रेशर कितना क्रिएट हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया. मान लिया ये एरिया क्या है, ए है, ठीक है, और ये वाला कैपिटल ए एरिया ले लेते हैं. तो फोर्स इस तरफ लगी, कैपिटल एफ, और एरिया क्या है, ए. एफ ओवर यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स 100 जी, और ये पाई इंटू 4R स्क्वायर. तो ये मिला एफ ओवर पाई आर स्क्वायर, दिस इज 100, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिस इज पाई, 4 का 16R स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 1000 बाई 16. इसको हम डिवाइड करेंगे, 62.5 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाएगा. तो ऑप्शन जो डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द राइज इन हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ कैपिलरी ऑफ टू ट्यूब्स. मतलब हमारे पास दो कैपिलरी ट्यूब्स है, उसमें हाइट गिवन है कि फर्स्ट में कितना हाइट है, 6.6 सेंटीमीटर, दूसरी में हाइट कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ट्यूब, हमें पता है जो हाइट है, ठीक है, जब भी लिक्विड राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, तो हाइट का रिलेशन क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन r rho g. तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है हाइट रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो रेशियो लिख लेते हैं यहाँ से, h1 अपॉन h2, दिस इज इक्वल टू r2 अपॉन r1. ठीक है, h1 की वैल्यू 6.6 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर, दिस इज R2 बाय R1. तो ये कितना मिलेगा हमारे पास, दिस इज 3. तो
तो 3:1 इज आर टू बाय आर वन, तो आर वन अपॉन आर टू की रेशियो क्या आ जाएगी, रेडियाई की रेशियो पूछी है, दैट इज 1/3, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज बाय, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज में दिया है तो 1%. द प्रेशर ऑन द सर्फेस इज इंक्रीज बाय, प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है, बल्क मॉडुलस हमें गिवन है. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी अपॉन माइनस डेल वी ओवर वी. ठीक है, प्रेशर किसके इक्वल आ गया, के इंटू माइनस डेल वी ओवर वी. बल्क मॉडुलस कितना है, 7.5 × 10⁻¹⁰. और ये वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ है, 1%, यानी कि 1/100. तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, 7.5, और ये आ गया 10⁻¹⁸. सो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेड बुलेट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर 27 °C विद द स्पीड v किलोमीटर पर आर, इट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स. मतलब एक क्या है, एक लेड बुलेट है, वो किसी स्पीड से जा रही है v किलोमीटर पर आर, का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 27 °C. केल्विन में बात करें तो ये 300 केल्विन टेम्परेचर हो. ठीक है, अब ये v स्पीड के साथ जा रही है तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या करेगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी उसके, और यहाँ पे आके वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई. ठीक है, अब 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू हीट इट. अब क्योंकि मेल्ट हो रही है, मेल्ट तभी होगी जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, तो 50% जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके लिए यूज हो रही है, इसको हीट करने के लिए. द वैल्यू ऑफ वी इन किलोमीटर पर आर इज, तो हमें ये स्पीड की वैल्यू बतानी है कि वो किस स्पीड से जा रही थी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो मोशन में है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो 50% है वो किसके लिए यूज हो रहा है, उसको हीट करने के लिए. अब जब वो हीट होगी, गर्म होगी, तो उसकी क्या हो रही है, फेस ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो पहले सॉलिड फॉर्म में थी अब वो मेल्ट हो जाएगी. ठीक है, मेल्ट हो रही है वो, तो यानी कि यहाँ पे जो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उससे पहले फेस ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज एम इंटू एल. ठीक है, जो हीट है वो उसका फेस चेंज कर रही है, फिर उसका टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, एम सी डेल्टा टी, उसके लिए इतनी हीट चाहिए. तो ये जो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट जो प्रोड्यूस कर रही है वो किसके लिए यूज हो रही है, एक तो उसको फेस चेंज करने के लिए क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है. ठीक है, एक उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, राइट. यहाँ पे 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी. एम फैक्टर सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ये मिला वी स्क्वायर बाय 4, दिस इज एल प्लस सी डेल्टा टी. तो वी स्क्वायर बाय 4, एल की वैल्यू कितनी है, लेटेंट हीट, दैट इज 2.5 × 10⁵. ठीक है, प्लस सी स्पेसिफिक हीट कितना है हमारे पास, 125. और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 केल्विन है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था उसका, 300. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 600 − 300, राइट. तो वी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 × 2.5 × 10⁵ प्लस 4 × 125 × 300. इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800. ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू सेपरेट बबल्स ऑफ रेडियाई R1 R2, दीज आर रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड ऑफ सेम लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T, कम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल बबल. तो एक बबल है हमारे पास ये वाली, जिसका रेडियस क्या है R1, एक बबल है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास R2. हमने क्या किया, ये नज़दीक आ गई एक दूसरे के, और इन्होंने क्या किया, एक डबल बबल बना रहे हैं. मतलब नज़दीक आ रही है तो नज़दीक जाएंगी, डबल बबल बनेगा. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरनल फिल्म, कॉमन फिल्म सरफेस कॉमन टू बोथ बबल्स. जब ये डबल बबल बन जाएगा तो वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा. ठीक है, तो अगर मैं इस फर्स्ट बबल के लिए बात करूँ, इसके इनसाइड जो प्रेशर है P1, दैट इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर को मैं पी लिख रही हूँ, वो कितना मिल जाएगा, 40/R1. प्रेशर डिफरेंस इतना ही होता है. सेकेंड बबल के लिए इनर सरफेस का प्रेशर कितना आ जाएगा, दिस इज पी. आउटर सरफेस के लिए प्रेशर पी ले रहे हैं, 40/R2. ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो निकालना है.
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है, तो पी वन माइनस पी टू, क्योंकि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं कम, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे डबल बबल बन जाएगा, ठीक है, तो इनर सरफेस जो है वो कॉमन रहेगा, जैसे ये बबल पूरी तरह से इसके अंदर चली गई, मान लो ऐसे कंबाइन कर गए, ये डबल बबल बन गया, तो कॉमन सरफेस तो ये अंदर वाला ही पोर्शन होगा, बाहर वाले का तो कोई लेना देना नहीं है, तो जो अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, पहले फर्स्ट के लिए निकाल लिया, फिर सेकेंड के लिए निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो कॉमन आएगा, ठीक है, सरफेस दोनों का, तो वो कितना मिलेगा यहाँ पे 40 कॉमन, ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3 ठीक है, P2 माइनस P1 कर लेते हैं, 1/R2 माइनस 1/R1, एक सेकेंड, प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन सरफेस है वो हम डिफरेंस से प्रेशर का डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस 40 1/R1 माइनस 1/R2, अब ये कितना मिला मुझे, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने R1 R2, और ये मिला R2 माइनस R1, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर इनर वाले सरफेस पे प्रेशर कितना आ गया, 40 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, अब जब ये डबल बबल बन जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस इसका अंदर वाले सरफेस के लिए, ठीक है, वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज 40/R, तो ये वाले जो नीचे वाली टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज मेड ऑफ वायर आएगा, यहाँ पे वायर स्टिच किया है ना, अ वायर इज मेड ऑफ मटीरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई, इफ द वायर इज स्टिच बाय एन अमाउंट एक्स, व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, ठीक है, फोर्स क्या आएगी, यंग मॉडुलस की बना है यहाँ पे, एफ बाय ए अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से एफ अपॉन ए, दिस इज डेल्टा एल, और ये एल ऊपर चला गया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, अब क्योंकि स्ट्रेच किया तो कितना स्ट्रेच किया यहाँ पे अमाउंट एक्स से, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स है, स्ट्रेचिंग लेंथ तो यही है ना, तो ये मिल गया वाई ए एक्स अपॉन एल, ये फोर्स आ गई, ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स, राइट, तो ये हमारे पास इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, वाई ए एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल, ये रही ऑप्शन बी, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वायर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स अलोंग इट्स लेंथ इंक्रीज बाय, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज में बताया गया कि लेंथ बढ़ रही है 0.4% और रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर दिया, पॉइजन रेशो जो है मटेरियल की वो बतानी है, अब जो पॉइजन रेशो होती है वो क्या होती है हमारे पास, लेटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसकी रेशो होती है ये, लेटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, माइनस डेल्टा t जो है डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब डायमीटर को इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी तो लिख सकते हैं, तो ये पॉइजन रेशो क्या आ जाएगी, डेल्टा r बाय r, दिस इज डेल्टा l बाय l, तो अब हमें यहाँ पे ये चेंज ही तो गिवन है, माइनस डेल्टा r बाय r कितना है 0.2%, और ये चेंज कितना है 0.4%, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, दैट इज 0.5, तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर।